ये जो आप देख रहे हो धुआंधार जलप्रपात, और मज़ा आ गया यहाँ आने पे फाइनली। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। ये तरफ आप देखिए बहुत ही प्यारा यहाँ का मतलब आपको लगेगा, पत्थरों के बीचों बीच दोनों तरफ से पत्थरों के बीचों बीच एक सुंदर सा जलप्रपात, और नीचे यहाँ पे बहुत ही गहरा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है भोपाल ब्लॉक 23 में, और मैं हूँ अभी धुआंधार जलप्रपात में। तो यहाँ तक आने के लिए आपको जबलपुर से सिटी से लगभग 20 किलोमीटर है, तो आप जबलपुर रेलवे स्टेशन उतर के वहाँ से ऑटो ले सकते हैं, बहुत ईजिली पहुँच जाएंगे, और ज़्यादा रेंट भी नहीं है ऑटो का। और ये दोनों तरफ दुकानें, और यहाँ पे दुकानें में आपको मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी, तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं मतलब हर दुकान यहाँ में संगमरमर की मूर्ति है, और अच्छी संगमरमर की मूर्ति आपको यहाँ मिल जाती है। भगवान श्री राम की क्या ही प्यारी मूर्ति है सामने, बहुत ही प्यारी मूर्ति, बहुत ही प्यारी। तो अभी मैं हूँ धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, वो बने रहे हमारे साथ फुल वीडियो में, और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये लगेगी अभी आगे। तो अंदर जाने के लिए यहाँ को आपको दुकानें मिल जाती, दोनों तरफ दुकानें हैं जहाँ पे बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ बनाई जाती है, और ये मूर्तियाँ सेल्फ मेड है, मतलब खुद से बनाते हैं यहाँ दुकान वाले। और आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए ये मूर्तियाँ देखिए, मतलब यहाँ खुद से बनाते हैं ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल संगमरमर होता है यहाँ पे, तो उसी से ये मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। जिससे आपको इंतज़ार था ना, तो ये सामने देखिए, आप रोपवे से उस साइड भी जा सकते हैं, और रोपवे का ज़्यादा चार्ज नहीं है। रोपवे का चार्ज कितना हो गया यहाँ पे? 100 रुपये समथिंग है ना, 100 रुपये समथिंग, मतलब उस पार जाने के लिए। और या तो उस पार से आप इस पार जा सकते हैं, इस पार से आप उस पार जा सकते हैं। तो ये है धुआंधार जलप्रपात, 10 रुपये में। ये रोपवे, अगर रोपवे का मज़ा लेना हो तो आप जाइए, और रोपवे का भी मज़ा आप ले सकते हैं यहाँ पे। बाकी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ दुकानें मिलती रहती हैं, जैसे हल्दी चंदन या तो चूड़ियाँ वगैरह लेना हो, यहाँ दुकानें बहुत सारी हैं, और यहाँ आपको वैरायटी भी मिल जाती है, खासकर मूर्तियों की वैरायटी तो यहाँ आपको मिल ही जाएंगी है ना। या शिवलिंग लेना हो, या बजरंग बली जी की मूर्तियाँ लेनी हो, या तो भगवान शिव की मूर्तियाँ लेनी, मतलब आपको वैरायटी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये चारों तरफ देखिए बहुत ही शानदार नज़र। तो मिलते हैं आप सीधे धुआंधार जलप्रपात में। तो ये मैं पहुँच चुका हूँ धुआंधार जलप्रपात, मतलब यहाँ आने का मज़ा ही कुछ दूसरा है, तो आप बिल्कुल भी विजिट करना ना भूलें। और जितना यहाँ घूमने में मज़ा आता है, उतना इसे देखने में और भी मज़ा आता है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं धुआंधार जलप्रपात जबलपुर, और ये देखे देखते ही बनता है कि कितना ही मज़ा आ गया यार यहाँ आने पर मुझे तो। और ये यहाँ पे भीड़ देखिए, ये चारों तरफ लोगों का यहाँ भीड़ बना हुआ है, और कम शब्दों में कहूँ तो हम इसकी तारीफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जितनी भी आप तारीफ़ करोगे ना, उससे भी ये बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका यहाँ घूमने की इरादा बन सकता है, तो आप अभी आप यहाँ घूम सकते हो, और बहुत ही अच्छा है, मतलब आप ये समझ लो ये जो टूरिस्ट प्लेस है ना, मुझे तो बहुत ही पसंद आता है। तो आप विजिट करिए, मज़ा लें, इन्जॉय करिए, और जबलपुर में ऐसा मतलब आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा।
ये धुआंधार जलप्रपात। और आते हैं कितना भी टाइम रुकना चाहे आप रुक सकते हो, बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगेगा आपको। और मतलब बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ पे। नज़ारे अगर आपको देखना हो तो रियल में माने तो नज़ारे आपको यहीं देखने को मिलेंगे, धुआंधार जलप्रपात। जैसे भैया पत्थर पे खड़े आप भी जा सकते हो, लेकिन अभी से बिल्कुल मत लेना मेरे हिसाब से। और आगे जाते जाते ना ये पत्थर में टकराते और पानी की जो स्पीड है बहुत कम हो जाती है। चलिए चलाइए, अब मैं चलाऊँ यार, चलाइए वीडियो बना लो। आप ही तो बोले कि गन्ना पिलाते हैं, चला चला के दिखाते हैं। आइए सर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं, चलाओ आराम चलाना, आराम से चलाने की उनकी मशीन ना टूटे। एक नंबर का ना भैया, 250 रुपए ग्लास वाला है, ध्यान रखिएगा। क्या है, अरे तो भैया सीधी सी बात है ना, वजनदार व्यक्ति बना रहा है। अच्छा हाँ आइए सर, गन्ने का रस आइए। चलिए अब पीते हैं हम लोग गन्ने और वेट करते हैं, मतलब 5 मिनट थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलते हैं। फाइनली आ चुका है हमारा गन्ने का रस। और भेड़ाघाट में आपको ये गन्ने का रस मिलता है, लेकिन पी के बताते हैं कैसा लगा। और थोड़ा टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। मस्त बना है, अल्टीमेट है, अल्टीमेट। आइए सर गन्ने का रस आइए। मस्त बनाया ना बढ़िया, एक नंबर का बना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नहीं भी करिएगा तो गन्ने का रस जरूर पीजिए, नहीं करिएगा तो गन्ने का रस जरूर पीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ना गन्ने का रस बहुत ही बेहतरीन मिलता है। और इकलौती ऐसी दुकान है यहाँ पे जो गन्ने का रस आपको अच्छे बना के देते हैं।